तो फ्रेंड्स, हमारा जो कंट्रोल प्लेन का सीरीज चल रहा है यहाँ पर, तो हमारे कंप्यूटर में पिछली बार में इंटरनेट ऑप्शन क्या होता है, तो यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के अंदर में कंट्रोल प्लेन के सीरीज में बारे में हम सीख रहे हैं। तो आपने पिछली वीडियो में ना देखा हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, ऑटो प्ले, डेट एंड टाइम, ईज ऑफ एक्सेस सेंटर, फाइल एक्सप्लोर ऑप्शन क्या होता है, किस तरह से यूज़ करना चाहिए, बिट लॉकर क्या होता है, बिट लॉकर को किस तरह से यूज़ करना चाहिए, फिर हमारा क्रेडिट टाइम मैनेजर क्या होता है, किस तरह से हमको यूज़ करना चाहिए, बताया था कि रिवर्स प्रिंटर क्या होता है। तो यहाँ पर हमें आज सीखना है कि कीबोर्ड क्या होता है। तो मैंने आपको कहा था कि कीबोर्ड मतलब जो आप लिखते हो यहाँ पर, तो कीबोर्ड के अंदर हमें कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं यहाँ पर, इस तरह से। तो कीबोर्ड की जो हम की प्रेस करते हैं यहाँ पर, तो कोई भी की प्रेस करते हैं तो आपको किस तरह से आपको रिपीट करना है। तो हम जो एंटर करते हैं लिखते हैं, तो मैं मतलब आपको बता देता हूँ कि नोटपैड के अंदर मैं छोटा सा आपको तो जो हम लिखते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, जो तो हम ये जो हमारे कंप्यूटर के अंदर हम लिखते हैं, तो हम कहते हैं इसको इनपुट, क्योंकि हमारा जो लिखावट होता है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर जाता है, तो हम कहते हैं इसको इनपुट। हमारा माउस जो चलता है यहाँ पर, इस तरह से आप घुमा रहे हो यहाँ पर इस तरह से, तो ये माउस हुआ हमारा इनपुट। तो हमारा जो कीबोर्ड होता है वो हमारा यहाँ पर, जैसे तो कैरेक्टर रिपीट जो हमारा रिपीटर होता है यहाँ पर, इस तरह कैरेक्टर रिपीट होता है, एच एच करके लिखा है यहाँ पर। तो कितना होना चाहिए, इसका टाइमिंग कितना होता है, तो मैंने रखा है मीडियम, मीडियम डाली फुल ही रखे। इसको रिपीट रेट भी बताया यहाँ पर, तो रेट फास्ट रखा है मैंने। कर्सर का जो ब्लिंक होता है यहाँ पर, जैसे तो यहाँ पर इस तरह से, तो उसका फास्ट होना चाहिए तो फास्ट कर सकते हो यहाँ पर इस तरह से। अभी देखो यहाँ पर इस तरह से ब्लिंक हो रहा है, मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर। और फास्ट रखना है तो और फास्ट रख सकते हो आप यहाँ पर, जब आपको बता रहा है डेमो इस तरह से, देख सकते हैं यहाँ पर। इसको स्लो करना है तो क्लोज स्लो कर स्लो कर सकते हो यहाँ पर, कर्सर ब्लिंक रेट देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से ब्लिंक हो रहा है। तो मैं जो वही था वही रहने दूंगा। ओके यहाँ पर ओके, तो ये बाय डिफॉल्ट जो था वही रहने दूंगा मैं। हार्डवेयर की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने कहा था कि यहाँ पर सिस्टम के अंदर जो मेरा कीबोर्ड है तो टाइप किस तरह का है, तो यहाँ पर मेरा यूएसबी वायरलेस है। तो मेरा यहाँ पर मैन्युफैक्चर लिखा है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड लिखा है यहाँ पर। ये जो लिखा हुआ है वो बाय डिफॉल्ट हमारा जो कंपनी जो होती है हमारे कीबोर्ड की, इसके जो ड्राइवर होते हैं वही ऑटोमेटिकली सेट होता है यहाँ पर। लोकेशन की बारी आती है, तो लोकेशन जो यहाँ पर जैसे तुमने कहाँ पर मैंने इनपुट किया है, तो यहाँ पर यूएसबी के अंदर। ओके तो यहाँ पर डिवाइस का स्टेटस है, तो यहाँ पर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे तो यहाँ पर इसका ड्राइवर के बारे में पता चलेगा, तो मैंने आपको बता दिया था ड्राइवर क्या होता है डिवाइस मैनेजर के अंदर। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ड्राइवर जो होते हैं हमारे यहाँ पर लिखा होता है यहाँ पर, तो आपको अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हो, अनइंस्टॉल करोगे तो आपका कीबोर्ड जो चल रहा था तो बंद हो जाएगा। जनरल में उसका नाम होगा, उसका मैन्युफैक्चर होगा, वही चीज़ होगी यहाँ पर। ओके डिटेल में जाओगे तो आपको कौन सी डिटेल्स के अंदर चाहिए, तो आपको ड्राइवर वर्जन के अंदर डिटेल्स चाहिए, उसका नेम चाहिए, उसका रैंक चाहिए, ड्राइवर का रैंक है यहाँ पर देख सकते हो। फिर इवेंट्स जो होता है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इवेंट है उसका। यहाँ पर इवेंट क्या होता है, यहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी चेंजिंग होती है तो यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन चली जाएगी इवेंट पेवर के अंदर। तो जो इवेंट पेवर क्या होता है, तो वील और इवेंट पर मैं क्लिक करूँगा तो उसका इवेंट के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इवेंट पेवर के बारे में हमको बताया था कि क्या होता है यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स और इवेंट पेवर क्या होता है यहाँ पर। तो पहले इसके अंदर ऐड करेगा इन्फॉर्मेशन सारी, फिर इवेंट यहाँ पर इवेंट व्यूअर लिखा है, तो यहाँ पर इवेंट व्यूअर उसका इंफॉर्मेशन बन जाएगा। तो इसके बारे में मैं वीडियो बना कर रखी है, तो आपने देखा ना तो देख लो, और आपको पता चलेगा कि इवेंट व्यूअर क्या होता है, किस तरह से यूज़ करना होता है। फिर कीबोर्ड में हम आगे जाएंगे तो पावर मैनेजमेंट क्या होता है, तो पावर मैनेजमेंट जो होती है वही ऑटोमेटिकली, तो मेरा जो वायरलेस है तो मेरा सेल पर चल रहा है। ओके
बैटरी पर चल रहा है, मैंने जो हम मज होती है तो ओके। तो यहाँ पर इस तरह से होता है, मज सेल जो होती है सेल के थ्रू में काम होता है यहाँ पर, तो पावर मैनेजमेंट की ज़्यादा कोई बात नहीं है यहाँ पर ओके। तो इस तरह से वहाँ होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ये कीबोर्ड के बारे में था। और हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे सिस्टम के अंदर यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में, तो लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज को किस तरह से सेट करनी होती है, यहाँ पर क्या होती है लैंग्वेज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो, या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, कि हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरे सारे प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारे पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको चला तो नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।